मैं वही तो बता रहा था, मैं पार्लियामेंट के जब बिल को फाड़ा मैं उस बिल को, और उस वक्त से मैं ही कह रहा हूँ कि CAA को NPR से जोड़ के देखना चाहिए, सच साबित हुई। झूठ बोलते रहे प्राइम मिनिस्टर हमेशा, आज राजनाथ सिंह फिर से सच बोल दिए, अमित शाह सच बोले थे लोकसभा में, आज फिर राजनाथ सिंह बोल दिए, उनके वो कैंपेन कमेटी के चेयरमैन हैं। तो CAA NPR NRC का मतलब ये है कि भारत में ही गरीबों को, दलितों को और खास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों को स्टेटलेस बनाना, ये इनका मकसद है। मैं तो शुरू से वही बोल रहा था, CAA कहलाने का मकसद NPR NRC है, वो बात प्रूव हो गई। और हम हैदराबाद के इस पार्लियामेंट इलेक्शन में, तेलंगाना में जनता जो है इनके इस नापाक अजायम के खिलाफ वोट दे के हराई गई। अब ये एक एटमॉस्फेयर बन चुका है देश में, और उसी एटमॉस्फेयर की वजह से इन लोगों को हिम्मतें बढ़ रही हैं इस तरह की बकवास करने के लिए। मगर अब ये इसको आप कोई बच नहीं सकता आज इस देश में, और ठीक है, जब तक अल्लाह सुबहाना तआला जिंदगी लिखा हम जियेंगे, आप भी जियेंगे, कोई यहाँ पर जिंदा रहने के लिए नहीं आए, सबको जाने का है। अगर ये लोग जो ओपनली जो इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, हम तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन से उम्मीद करते कि उसका अब्दुल मजीद साहब आपका ATM कार्ड या मस्जिद में मौजूद है, आके ले लीजिए, उसका मॉनिटर करें और देखें।